मारुति सुजुकी इंडिया के मार्केट के लिए काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं और सुनने को तो यह भी मिल रहा है 6 नए गाड़ियां इसी साल 2023 और 2024 में लॉन्च करने वाला है। तो क्या कैसे होने वाला है पूरा वीडियो में आप बने रहिए। नंबर 1 पे मारुति सुजुकी का जिम्नी जो कि इसी मंथ यानी कि मई 2023 में लॉन्च होने वाला है। ये गाड़ी की बुकिंग भी शुरू हो चुका है, 25,000 टोकन अमाउंट तक के गाड़ी को भी आप बुक कर सकते हैं। मारुति सुजुकी का ये 5-डोर जिम्नी जो कि एक ऑफ रोडर बेस्ड व्हीकल आप बोल सकते हैं या लाइफस्टाइल व्हीकल भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विद माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगा जो कि 103 bhp का पावर 134 Nm टॉर्क आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन भी यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। गाड़ी में फीचर्स की बात करें, बिग टस्कन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एडवांस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, रिवर्स कैमरा जैसे कई सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 2 पे मारुति सुजुकी का न्यू प्रीमियम MPV जुलाई और अगस्त के महीने में ये गाड़ी इंडिया के मार्केट में लॉन्च होने वाला है। बात करी जाए, ये गाड़ी एक रिवाइज मॉडल है टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस का, तो ये गाड़ी काफ़ी प्रीमियम व्हीकल होने वाला है और मारुति सुजुकी इसका नाम मारुति सुजुकी एंगेज MPV रखने वाला है। गाड़ी में 2 लीटर का पेट्रोल और 2 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन देखने को मिल जाएगा। फीचर्स की बात करें तो 360 डिग्री कैमरा, बिग पैनोरामिक सनरूफ और एडास बेस्ड सेफ्टी फीचर्स भी ये गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पे न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी का स्विफ्ट और इसका हाइब्रिड मॉडल में इंडिया के मार्केट में काफ़ी जल्द लॉन्च होने वाला है। ग्लोबल मार्केट के इसके डेब्यूट की बात करें तो मिड ऑफ 2023 ये गाड़ी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और इंडिया में आते आते शायद मिड 2024 भी हो सकता है। 2024 स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ साथ 1.2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन देखने को मिलने वाला है और ये गाड़ी इंडिया के मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार होने वाला है क्योंकि ये गाड़ी में यानी कि इसके हाइब्रिड मॉडल में 35 टू लेकर 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद नंबर 4 पे जैसे कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट उसी तरह कुछ मारुति सुजुकी डिजायर की भी न्यू मॉडल यानी कि नए जनरेशन मॉडल लॉन्च होने वाला है। ये गाड़ी भी आपको 2024 मिड तक इंडिया के मार्केट में देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ साथ 1.2 लीटर हाइब्रिड ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे भी आपको 30-40 किलोमीटर का माइलेज देखने को मिल जाएगा और ये गाड़ी मारुति सुजुकी स्विफ्ट से 50,000 टू लेकर 1,00,000 रुपीज एक्सपेंसिव होने वाला है। उसके बाद नंबर 5 पे मारुति सुजुकी का ग्रैंड विटारा वेस्ट एक 7-सीटर SUV जो कि मारुति सुजुकी के तरफ से मिड और एंड 2024 तक लॉन्च हो सकता है। ये गाड़ी XUV700, टाटा सफारी, ह्यूंडई अल्काज़र जैसे गाड़ियों को सीधी सीधी इंडिया के मार्केट में टक्कर देने वाला है। ग्रैंड विटारा जैसे ही आपको इंजन स्पेसिफिकेशन और फीचर्स यहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है। नंबर 6 पे मारुति सुजुकी का इलेक्ट्रिक SUV जिसको मारुति सुजुकी और टोयोटा जॉइंटली इसको डेवलप किए हैं और ये न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल 4.2 मीटर लेंथ का होने वाला है और ये गाड़ी को आप EBX के नाम से 2023 ऑटो एक्सपो में भी देख चुके हैं। ये गाड़ी एक्सपेक्टेड है ईयरली 2025 ही मारुति सुजुकी की तरफ से लॉन्च कर दी जाएगी। गाड़ी में आपको 60 किलोवाट आवर की बैटरी बैक देखने को मिल जाएगा और ये फुल चार्ज में 550 प्लस किलोमीटर का रेंज देने वाला है जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन 6 अपकमिंग मारुति सुजुकी के व्हीकल्स जो कि 2023 और 2024 में लॉन्च होने वाला है। तो आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे से नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, बाय बाय।